10 तारीख को किरोड़ी बाबा के घर पे गए थे। सुबह में जब किरोड़ी बाबा गाड़ी में बैठ गए थे और निकलने ही वाले थे, तो उनसे हमारी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई थी, तो वो निकल गए। हम वहीं पे रुके गए, बाबा दिन में आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन बाबा शाम तक नहीं आए थे। उनके किसी साथी से ये पता चला बाबा आज नहीं आएंगे, तो हमने बोला आप बाबा से हमारी बात करवा दो, तो उन्होंने फोन करके बाबा से हमारी बात करवाई थी। तो बाबा ने बोला आप बेटा आज चले जाओ, यहाँ पे मत बैठो, और मैं परसों के दिन आऊंगा, और 12 तारीख सोमवार को आप यहाँ आ जाना, जो मैं आपसे मिलूंगा और आपकी बातों को सुनूंगा और आपकी मांगों को मैं सुनूंगा। उसके अकॉर्डिंग हम 12 तारीख को जब सुबह में बाबा के घर गए और पूछा कि बाबा आए क्या, तो हमें ये बताया कि बाबा अभी तक नहीं आए। तो हमने सोचा क्या पता कि शाम तक अगर बाबा आ जाए तो हम बाबा से मिल लें, लेकिन बाबा शाम तक नहीं आए थे। फिर वहाँ शाम के समय में 7-8 बजे के समथिंग पुलिस डिपार्टमेंट आया था, उन्होंने हमें वहाँ से हटाने की कोशिश की। हमने बोला कि हम बाबा से मिलकर चले जाएंगे, आप यहाँ से हमें जबरदस्ती मत उठाओ। लेकिन जब 12 बज गई रात की, पुलिस हमें बोल रही नहीं उठ जाओ, तो पुलिस वालों ने हमें मतलब इतना जबरदस्ती से वहाँ से उठाया, इतना मतलब घसीट घसीट के हमें गाड़ियों में डाला गया था। और हमारी दो बहनों की तबीयत खराब थी, एक के सर में चोट आ गई थी। और ये राम राज्य की बात करती है सरकार, अरे ये कहाँ का राम राज्य, जब राम की तस्वीर हम हमारी गोद में लेके बैठे थे तो हमारी गोद से उनने छीन के पैरों के नीचे कुचल दिया था। और पुलिस डिपार्टमेंट में एक महिला कांस्टेबल थी, उसके हाथ में चोट भी लगी थी उस तस्वीर की। तो ये कहाँ का राम राज्य हुआ जब नारियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, नारियों को मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो बाकी की वो हमारी कैसे रक्षा करेंगे? जब मतलब पुलिस किस लिए होती है कि नारियों की रक्षा करे, हर इंसान की रक्षा करे, बट जब पुलिस प्रशासन ही नारियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है तो फिर क्या होगा? तो हम तो यही चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, बट बाबा हमें अब भी बुलाए और हमारी मांगों को सुने और हमें जल्दी से जल्दी बहाल कराए। प्रशासन तो जब तक रहेगा जब तक हमें बहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कांग्रेस का ठप्पा लगाया गया है, जो कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, हमें कांग्रेस के कार्यकाल में लगाया गया था। बल्कि हमारा काम तो ये था राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाना था। हम किसी पार्टी पोजिशन का कोई प्रचार नहीं करते थे कि किसको वोट देना नहीं देना, हमारा सिर्फ ये काम का था कि अभी कौन सी योजना चल रही है, कौन सी योजना किस लोगों को बतानी है, किसी की जैसे पेंशन बंद हो गई है तो उसको किस तरीके से चालू करवानी है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी थी। जो हम वो लोगों को सारी जानकारी गांवों गांवों ढाणी ढाणी तक पहुंचाते थे। हम सभी साथियों के पास 3 या 4 पंचायतें आवंटित थी जिसमें हम काम करते थे, और अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम सभी साथी के पास ऑल राजस्थान के जितनी पंचायतें हम सब में आवंटित है, हम उनको लोकसभा के चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आप देखना कि अगर बहाल कर दिया तो हम उस सरकार को वापस बनाएंगे, अगर हमें बहाल नहीं किया गया तो इसमें हम वोट बिगाड़ेंगे, क्योंकि ऑल राजस्थान हम सभी भाई बहनों के पास में है और उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। महिला कांस्टेबल आई थी हमारे वहाँ पे किरोड़ी बाबा के वहाँ पे, तो पुरुषों को हाथ नहीं लगा रहा था नारियों के जिस तरह से के जो, और ये अधिकार किसने दिया है कि महिला कांस्टेबल होते हुए आप पुरुष कांस्टेबल से महिला को हाथ लगाने का इजाजत किसने दी है? और रही बात ये कि आप राम राज्य की बात करते हो, एक तरफ राम की तस्वीर हमारे हाथ में थी और हाथ में से छीन के आप पैरों के नीचे कुचल रहे हो, तो ये कौन सा राम राज्य है? और आप एक तरफ ये कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ लिख कर भी आज बेरोजगार है और रोजगार था वो छीना गया हमारे से। तो हम तो यही चाहते है कि हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और बाबा से अभी भी हमारे को उम्मीद है कि बाबा हमको जरूर बहाल ही देंगे। देखिए, हम लगातार 34 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम बेरोजगार युवा यहाँ न्याय के लिए भटक रहे हैं और हमें रोजगार दिया जाए, और हम यहाँ जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा। हमारी मांग कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए, न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जैसा कि हम आप सभी को भी पता है कि आज हमारे धरने को 33वां दिन हो गया है। हम 33 दिन तो अब जब से हमने 13 तारीख से धरना स्टार्ट किया था तब से हुआ है, बाकी हमने पिछली बार 26 तारीख जब से हमारा 25 को आदेश आया था कि आपको निकाला जाता है, अगले दिन से हमने धरना स्टार्ट किया था। बीच में 7 दिन स्थगित किया गया था, पुनः हमने 13 तारीख से यहाँ पर धरना स्टार्ट किया। वहाँ से लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से हमें किसी भी प्रकार के डेलीगेशन के अभी तक नहीं बुलाया गया है। जब हमारी बहनें वहाँ पे किरोड़ी बाबा के वहाँ पे गई, कुछ उम्मीद लेके गई, क्योंकि एक एकमात्र किरोड़ी बाबा ही है जिनसे हमें आस थी, तो हमारी बहनें उनके पास आस लेके गई, लेकिन हमारी बहनों के साथ में भी वहाँ पे कोई अच्छा नहीं हुआ, इनके साथ में अत्याचार किया गया। पुलिस कांस्टेबल ने महिलाओं को हमारी बहनों के हाथ कैसे लगाया, पहली बात तो वो। दूसरी बात, राम राज्य की सरकार में राम जी की तस्वीरें फोड़ी जा रही है,
कहेगा राम राजा। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार अगर हमें बहाल नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में हम 5000 भाई बहन लगे हुए हैं और पूरे प्रदेश के हर एक पंचायत और हर एक गांव लास्ट तक हम कवर करते हैं। मैं खुद कम से कम 5000 लोग मेरे पंचायतों में ऐसे हैं जिनको मेरे टच में है, मैंने उनको लाभ दिलाया है, किसी न किसी प्रकार से मैं उनके टच में हूँ। कम से कम मैंने 15-16 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, 5000 लोगों को जोड़ रखा है। जैसा मैं चाहूँगा वैसा प्रचार करूँगा और उसका नेगेटिव जाएगा कहीं ना कहीं, इसलिए हमने शपथ भी ली और हम सरकार को यकीन दिलाते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े रहकर मजबूती से काम करेंगे, इनका बहुत अच्छी इनकी योजनाओं का प्रचार करेंगे, उसका अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट इनको मिलेगी। हमें पुनः लगाती है तो हम उन सरकार के साथ समर्थन पूर्ण समर्थन देंगे और उनका जो योजना केंद्र की हो राज्य की हो समस्त सरकारी योजना घर घर तक पहुंचाएंगे और उनको हमारे जिससे सपोर्ट मिल चाहिए वो सपोर्ट करेंगे।